भाई, ये तो कि चले चल में वो आपका फिर डुडवा किसी का नाम नहीं लेने का तो भाई साहब, अब आपको तो पता ही है हमारा रिश्ता कैसा है चाइना के साथ। चाइनीज स्ट्रीम आ चुकी है और हमारी स्ट्रीक पड़ चुकी है खतरे में। बेस्ट वॉर क्लैन के अंदर हमारे क्लैन की 25 की स्ट्रीक चल रही है। तो भाई साहब, हम लोगों को स्ट्रीक भी बनानी है, वीडियो भी बनानी है, अच्छे अच्छे अटैक्स भी करने। आज ये चाइनीज टीम को तो हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, अलग अलग आर्मीज के साथ लाल पेलेंगे। तो चलेंगे डायरेक्ट अभी वॉर के अंदर। लगी है भाई टफ, डर तो मेरे को भी लग रहा है, तो चलते गेम के अंदर। एंड हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना, 16 लाख होने वाले, सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, आप करोगे तभी हो पाएगा। तो चलेंगे गेम के अंदर। तो भाई साहब, ये आ चुकी है हमारे सामने चाइनीज टीम, लेवल 11 का इनका क्लैन है। हम लोगों ने 7 में 21 मारे हैं, और अगर हम लोग हमारे टीम के बारे में देखेंगे तो हमारी 25 की स्ट्रीक चल रही है, राइट। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इतनी सारी लगभग हम लोग वॉर्स वगैरह जीत चुके हैं, 40v40, 30v30, 25v25 करते रहते हैं। चाइनीज टीम वालों ने, मतलब इन लोगों ने वॉर लॉग छुपा के रखा है। वॉर विन स्ट्रीक इनकी भी 5 की चल रही है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो भाई साहब, इन लोगों ने लगभग सारे बेसिस हमारे क्लियर कर दिए हैं नीचे के, बस ऊपर के कुछ बेसिस बच चुके हैं। और स्काउट अटैक भी करा है बंदों ने, और हमारी साइड से अभी हम लोग फिलहाल अटैक करने वाले हैं इस नंबर 18 के बेस के ऊपर, जो कि टाउन हॉल 10 का बेस है। आर्मी रहने वाली है हमारी जैप ड्रैगन की, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे मिल चुके हैं 2 एयर डिफेंस 7 में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लाइटनिंग बीच में डाल देंगे, हो गया सीन। उसके बाद यहाँ पे 1 अर्थक्वेक डाल देंगे, दोनों के दोनों एयर डिफेंस फूट गए, ओके। उसके बाद सिंपली हम लोग क्या कर देना है, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन डाल देना है फनलिंग के लिए। उसके बाद एक बलून आएगा, एक ड्रैगन आएगा फनलिंग के लिए। किंग और क्वीन आएंगे यहाँ पे बेस के बाहर, घूमते रहेंगे वो लोग। यहाँ पे स्टोन स्लैमर, यहाँ पे एक लावा हॉन्ड टैंक के लिए, सारे के सारे ड्रैगन्स आएंगे। बुड्ढा तो रहता है नहीं, तो सारे के सारे बलून्स आ जाएंगे हमारे पीछे से। सीसी निकल चुकी है बाहर, पॉइजन स्पेल आएगा सीसी के ऊपर और एक फ्रिज स्पेल आएगा। चलो भाई ठीक है, बस यहाँ से हीरोज निकाल ले एयर डिफेंस तो मजा आ जाएगा। चलो भाई, फ्रिज बिल्कुल सही जगह पर डाल दी, ओके। यहाँ पे एक और फ्रिज, चलो भाई ठीक है। हील हम लोगों ने गलत तो नहीं डाल दी गाइस, ठीक है यार। सीसी का जो ड्रैगन था हमारे पास, उस ड्रैगन को बचाने की कोशिश हो रही है हमारी। मेरे को अभी भी एक चीज समझ नहीं आई कि मैं ये लेके आया क्यों, एक बैट स्पेल, आई डोंट नो मैं एक बैट स्पेल क्यों लेके आया, कुछ फायदा हुआ भी नहीं है गाइज उसका ढंग से। लेकिन ठीक है गाइज, मेरे को नहीं लगता ये बेस अभी बच सकता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे 3 ड्रैगन स्कोर में 3-4 ड्रैगन बच चुके हैं। सीसी का भी ड्रैगन है मैक्स लेवल का। तो भाई ये तो हो गया गाइज, ये वाला अटैक तो हमारा 3 स्टार हो चुका है, क्या बात है। अरे बाप रे, ये ढोल किधर बज रहा है भाई साहब, ढोल की आवाज आ रही है आप लोगों को। अरे भाई साहब, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रैगन अभी भी हमारे पास बच चुके हैं, इंक्लूडिंग सीसी का ड्रैगन, ठीक है। ओपी गाइज, हमारा अटैक भी 3 स्टार हो गया और ढोल भी बज रहा है बाहर, क्या बात है। क्वीन देखो यार, लगभग 1 HP पे बची हुई है, अभी मरेगी मरेगी मर गई, लेकिन अभी भी कितने ड्रैगन है भाई साहब, 6 ड्रैगन। और गाइज ये वाला बेस हो चुका है हमारा 3 स्टार। जैप ड्रैगन सबसे बेस्ट आर्मी टाउन हॉल 10 के लिए, मतलब अगर ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाना नहीं है तो स्पैम वैम करना है तो ठीक है, ये सबसे बेस्ट आर्मी है। A few moments later. ओके गाइज, अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं टाउन हॉल 11 के ऊपर। ये रहा नंबर 12 का बेस, बेस लेआउट ठीक है, मैक्सड आउट बेस है, पर हमारी आर्मी देख के बंदा बौखला जाएगा गाइज, ठीक है। तो लगभग हम लोग 8 पिकास के साथ अटैक करने वाले इस बेस के ऊपर। मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला कि इस आर्मी के साथ अटैक करना कैसे होता है, ठीक है, कौन से टाइप के बेसिस सिलेक्ट करने होते हैं इस आर्मी के लिए, ओके। तो 2 सुपर वॉर ब्रेकर्स हम लोगों ने लेकर रखे ताकि पिकास के लिए एक प्रॉपर पाथ बन जाए, ओके। 3 पिक्का लेफ्ट, 3 पिक्का राइट, कुछ विजर्ड्स आएंगे और बीच में आएंगे 3 पिक्का, हालांकि बचे तो थे 2 ही पिक्का, लेकिन तीसरा पिक्का आएगा सीसी से, मतलब सीज बैरक से, ठीक है। चलो भाई, जैसे ही पिक्का स्कोर में आएंगे थोड़ा डैमेज होने लगेगा, हम लोग डाल देंगे हील। अरे बाप रे, पॉइजन आएगा सबसे पहले तो यहाँ पे। चलो फनल वनल प्रॉपर, अरे बार्बेरियन किंग किधर जा रहा है। चलो गाइज, 2 पिक्का अंदर की साइड पे आ रहे हैं, कुछ विजर्ड्स है, क्वीन है, बुड्ढा है, अरे किंग भी अंदर की साइड पे आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है गाइज। चलो गाइज, टोर्नेडो के अंदर ट्रूप्स फंस चुके हैं, ओके। बुड्ढे की एबिलिटी दे दी हम लोगों ने सही टाइम पे, जब हमारे ट्रूप्स स्प्रेड होने वाले थे उसी टाइम पे दे दी एबिलिटी। सीसी के हॉक्स निकल चुके हैं, और ये जो लास्ट वाली हिल स्पेल बच चुकी है हमारी, वो हम लोग सीसी के हॉक्स के ऊपर डाल देंगे, खत्म है गाइज। क्या ही बचा है भाई, क्या ही आर्मी है गाइज, ये खतरनाक आर्मी है, मतलब मैस पेक का टाउन हॉल 11 पे गलत लेवल की आर्मी। टाउन हॉल 12 पे कभी ट्राई करी नहीं है, लाइक करेंगे अगली वॉर में ट्राई करेंगे,
क्योंकि बेस भी वैसा मिलना चाहिए ना गाइस। तो गाइस फिलहाल ये हो पाएगा क्या ट्रिपल? थोड़ा मुश्किल लग रहा है, होना तो चाहिए गाइस। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। पिक्का आ रहा है पीछे से, बुड्ढा फुल हेल्थ के साथ। हॉक्स बच चुके हैं हमारे अभी भी कुछ, और गया गाइस ये वाला बेस खत्म है गाइस। पिक्का पीछे की साइड पे वॉल फोड़ रहा है, लेकिन ये हमारे जो हॉक राइडर्स है इन्होंने फोड़ दिया भाई बॉम्ब टावर को। तो भाई साहब ये वाला अटैक हो चुका है हमारा 3 स्टार। इसके बाद गाइस बारी आती है टाउन हॉल 12 की। अब टाउन हॉल 12 पे देखते हैं गाइस बेस लेआउट वगैरह कैसे, उस हिसाब से प्लान करूंगा मैं। तो ये फिलहाल अटैक हो चुका है टाउन हॉल 11 पे हमारा 3 स्टार अटैक। ओके अभी बारी आती है हमारे इस टाउन हॉल 12 की। बेस लेआउट भाई बंदे का अच्छा खासा बेस लेआउट है, और पहले ही एक अटैक यहाँ पे 78% हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं गाइस सुपर मिनियन और ड्रैगन वाला अटैक और बैट वाला अटैक। पूरा एयर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक होने वाला है ये, लेकिन ग्राउंड में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीरोज को बाहर से नहीं घुमाने वाले, क्योंकि ये चीज़ तो फिक्स है कि हीरोज के साथ हमको ना इधर से हेवी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक सुपर मिनियन, ओके बार्बेरियन किंग आएगा, एक वॉल ब्रेकर। तो बार्बेरियन किंग के साथ ना हमको ईगल का पूरा कंपार्टमेंट खा जाना है गाइस। ओके यहाँ पे एक वॉल ब्रेक आएगा, एक काइस गोलम, क्वीन आएगी, यहाँ पे एक सुपर मिनियन, यहाँ पे एक सुपर मिनियन, जिससे कि क्वीन अंदर जाके मल्टी और वो निकाल ले, ठीक है विजिट टावर। चलो भाई सुपर मिनियन हमारा ओपी काम कर रहा है। बार्बेरियन किंग बस होपफुली ये पूरा कंपार्टमेंट खाली कर दे। अरे बाप रे क्वीन के ऊपर डैमेज हो रहा है एबिलिटी क्वीन की। चलो मल्टी निकाल लो, निकालेगी क्या, निकाल ली, चलो भाई अच्छी बात है। सारे के सारे ड्रैगन्स, बुड्ढा आएगा, बलून्स आएंगे, ओके यहाँ पे एक रेज पॉइजन लिम्प आएगी, ओके चलो भाई बुड्ढे की एबिलिटी दे दी सही टाइम पे। सारे ड्रैगन्स थे बुड्ढे की एबिलिटी के अंदर, और सीसी के अंदर ना हम लोगों ने बहुत सारे स्नीकी गॉब्स और गॉब्लिन्स लेके रखे हैं। चलो भाई ठीक है, अब स्नीकी गॉब्लिन्स इजीली टेक डाउन कर पाएंगे टाउन हॉल को, ओके चलो भाई बस अभी बैटिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। 5 फ्रीज और 5 बैट्स है हमारे पास, ड्रैगन्स भी बच चुके बहुत सारे हमारे पास। ए सुपर मिनियन होपफुली ये एयर डिफेंस टेक डाउन कर ले, कर पाएगा क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे भाई साहब कम ऑन, अरे भाई साहब ये खा जाएगा यार, ये तो खा जाएगा। चलो भाई बैटिंग चालू कर देंगे। चलो भाई सुपर मिनियन खा गया, यहाँ पे एक फ्रीज, अभी भी 4 फ्रीज बच चुकी है गाइस। सारे ड्रैगन्स मेरे खत्म हो चुके हैं एफ, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अगेन फ्रीज आएगा विजो टावर पे, भाई साहब बाल बाल बच गए गाइस। अब आखिरी के 2 फ्रीज है यहाँ पे आएंगे, ओके अभी एक और फ्रीज है वो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है खत्म। लो भाई गया ये बेस, अब इस बेस को कोई नहीं बचा सकता भाई। बैट्स ओपी है भाई, पीछे के 2 कंपार्टमेंट्स बड़े वाले हमारे बैट्स नहीं निकाले गाइस। लिटरली बैट्स ओपी है, पर कर क्या ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे हम लोग? टाइम बहुत कम है, अरे बाप रे बस बैट्स ही है अब तो। चलो अच्छी बात यह कि कोई स्टोरेज नहीं है, तो आराम से क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। कोई स्टोरेज नहीं बचा हुआ है, अगर स्टोरेज बच जाता यहाँ पे तो वो दिक्कत होती, पर स्टोरेज है नहीं क्योंकि बैट को रेड बॉम्ब टारगेट नहीं करता अगर वहाँ पे कोई बलून या फिर मिनियन नहीं है तो। कोई भी चीज़ ये बैट्स को ट्रिगर नहीं कर सकती, सिर्फ बैट्स को। अगर वहाँ पे मिनियन या फिर नॉर्मल बलून रहा तो तब वो ट्रिगर हो जाता है। ओके गाइज अभी बारी आती है टाउन हॉल 13 की। ये रहा भाई साहब 13 का बेस, अच्छा सा बेस लेआउट है भाई, दिमाग खराब हो गया बेस लेआउट को देख के। लेकिन हम लोग ना एकदम सिंपल आर्मी के साथ अटैक करने वाले, लाइक बंदा सोच भी नहीं सकता कि भाई इतना तगड़ा बेस लगा के रखा है भाई ये बंदा, सिंपल आर्मी के साथ मार के जा रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में क्वीन चार्ज चालू करेंगे इधर से, ओके उसके बाद हम लोगों को फनल बनाना पड़ेगा यटी और विजर्ड के साथ। और अभी ना हम लोग यहाँ पे ना वॉल ब्रेक नहीं डालेंगे इतनी जल्दी, ये आर्चर टावर जो है आर्चर टावर फूटने के बाद वॉल ब्रेकर डालेंगे, क्योंकि अभी डालेंगे ना तो आर्चर टावर की वॉल पे चला जाएगा वॉल ब्रेकर, और फूटने के बाद डालेंगे तो देखो किधर जाएगा। देखा आप लोगों ने किधर गया हमारा वॉल ब्रेकर, तो ये तरीका होता है गाइज। ओके चलो भाई सीसी भी निकल चुकी है, पॉइजन और फ्रीज आएगा सीसी के ऊपर, और हमारे वॉल ब्रेकर ने एकदम ओपी काम कर दिया, टाउन हॉल तक का रास्ता खोल दिया भाई हमारी क्वीन के लिए, बहुत अच्छी बात है गाइज। चलो भाई अभी हमारी क्वीन इधर से टाउन हॉल ले लेगी तो हम इजीली हाइब्रिड चालू कर पाएंगे।
अरे 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 किधर जा रही हो? अरे भाई किधर जा रही हो? कौर रेज भाई ये किधर चली गई? चलो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, अब उस कंपार्टमेंट में गई है तो वापस उसको टाउनल पे आना पड़ेगा, ऐसा कुछ हम लोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर से माइनर डालेंगे तो सारी यहाँ की चीजें क्लियर अगर हो जाती है तो क्वीन के पास दूसरा रास्ता नहीं बचेगा टाउन हॉल कंपार्टमेंट में जाने के अलावा। बात समझ रहे हो आप लोग? देखो ना, यहाँ का आगे का सारा सब कुछ हमारे हाइब्रिड हॉक्स और ये क्लियर करेंगे तो क्वीन को जाना ही पड़ेगा उधर टाउन कंपार्टमेंट में वापस, क्योंकि आगे की चीज़ें हम लोग क्लियर कर चुके होंगे तब तक, है ना। ये तो फंस गया यार, ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस, क्वीन घूमेगी करके, हद है भाई क्वीन। चलो एटलीस्ट आ तो चुकी है टाउन कंपार्टमेंट में, अच्छी बात है। टाउन हॉल कम ऑन। चलो भाई टाउन हॉल टेक डाउन कर लिया क्वीन ने, बहुत अच्छी बात है। खत्म है गाइस ये, बस आर्मी देखो भाई कितनी बची है, आरसी एबिलिटी बच चुकी है, किंग बच चुका है, क्वीन है, बुड्ढा है, खत्म है गाइस ये बेस खत्म है, दिस इज अ खत्म बेस गाइस। हॉक्स देखो भाई कितने, एक दर्जन हॉक्स तो बचे होंगे आराम से इधर। लो भाई आरसी एबिलिटी के अंदर सत्यानाश हो गया पूरे बेस का, कबाड़ा कर दिया भाई साहब। ये हो गया हमारा 3 स्टार अटैक हाइब्रिड आर्मी के साथ। ओके गाइज, अभी हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं अटैक के लिए टाउन 14 के बेस के ऊपर। अलग ही लेवल का बेस लेआउट है भाई साहब ये। स्टार्टिंग में दो लाइटनिंग, एक वॉल ब्रेक आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगी, उसके बाद एक सुपर ड्रैगन। ओके, सारे के सारे सुपर ड्रैगन आएंगे, हुड्डा आएगा, बलून्स आएंगे। ओके, पहली रेड स्पेल आएगी, यहाँ पे ब्लिंप आएगी पीछे से। पॉइजन स्पेल लिया ही नहीं है गाइज हम लोगों ने इस बेस के लिए, बिना पॉइजन के घुस गए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई कर लो भाई, टोर्नाडो निकल गया इधर से। रेस डालेंगे सीसी के अंदर, सारे के सारे बलून्स लेके रखे हम लोगों ने, अच्छी बात है। कमॉन जे बात भाई साहब, ओके कमॉन सुपर ड्रैक्सो, जल्दी जल्दी क्लीन अप करो। आरसी डालेंगे यहाँ से, जिससे कि बैकअप मिले हमारे सुपर ड्रैगन्स को। 5 बैट और 3 ही फ्रीज है गाइस हमारे पास, तो इधर से बैटिंग चालू कर डालेंगे। यहाँ पे एक फ्रीज, ओ भाई साहब मिनियंस आएंगे, अगेन एक फ्रीज, ओके आखिरी वाली फ्रीज है, वापस आखिरी वाली फ्रीज आ गई भाई साहब। क्या ये हो पाएगा क्या? तो बाप रे, सिर्फ बैट्स बच चुके हैं। अरे रे रे रे, बैट्स खतरनाक गाइस, सिर्फ 5 बैट्स यूज करे थे हम लोगों ने। और अटैक देखो तो टाइम देख रहे हो गाइस, कितना जल्दी साफ कर लिया हम लोगों ने इस बेस को, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। सुपर ड्रैगन और बैट का कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का कॉम्बिनेशन है। हालांकि कुछ बचा है नहीं बेस के अंदर, पर हमारे ट्रूप्स भी लगभग सारे मर चुके हैं, बस बैट्स ही है आखिरी सहारा अब। लो भाई हो गया, ये ट्रिपल हो गया गाइस। तो भाई साहब ये थे आज के हमारे सारे टाउन हॉल के अटैक, टाउन हॉल 10 से लेकर 14 तक अलग अलग आर्मीज के साथ। तो ये हो गया गाइज हमारा एक और 3 स्टार अटैक, और इसी के साथ गाइज हमारा जो स्कोर है ये हो जाता है 29 अटैक्स में 65 स्टार्स। अभी भी कुछ बेसिस बचे, ये मैं बाद में करूंगा, बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।